हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल गुड इन योर लाइफ। सो गाइज, अच्छी वीडियो मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ अमेजन हॉल। ये कह सकते हैं मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है अमेजन के साथ शॉपिंग में। तो कुछ प्रोडक्ट है जो मैंने अभी तक ओपन नहीं किए, मीन्स आपको अनबॉक्सिंग रिव्यू शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। एंड कुछ प्रोडक्ट मुझे पहले रिसीव हो गए थे तो मुझे उनकी जरूरत थी तो मैंने उनको ओपन कर लिया था, क्योंकि सारे प्रोडक्ट जो है एक साथ रिसीव नहीं होते हैं अमेजन में। एंड लगभग सब में ऐसा ही होता है, चाहे पर्पल से करो, आप किसी से भी शॉपिंग करो। तो कुछ प्रोडक्ट मैंने पहले ओपन कर लिए थे तो वो मैं यूज़ कर रही हूँ, अभी करने लग गई हूँ। ओके, एंड कुछ प्रोडक्ट है जिनका अनबॉक्सिंग रिव्यू आप लोग शेयर करने वाली, तो मैं उनका वेट करी थी क्योंकि जो प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग रिव्यू आप लोग शेयर करने वाली बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट बोल सकते हो, या फिर आप एक यूट्यूबर हो तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे वो प्रोडक्ट है। तो मैं उनका वेट करी थी, अदरवाइज मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। सेकेंडली, अमेजन से फर्स्ट एक्सपीरियंस तो शेयर करूंगी मैं अपना शॉपिंग का, साथ ही मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देने वाली हूँ या फिर कुछ बातें बताने वाली हूँ जिनको आप अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका पैसा और कम लगता है अमेजन शॉपिंग करने पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ मेरे जो अनबॉक्सिंग प्रोडक्ट है वो शेयर कर लेती हूँ, उसके बाद जो प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ अभी या फिर ओपन कर चुकी हूँ वो लोग शेयर करूंगी। ओके, तो सबसे पहले है उसमें मेन चीज है जो मैंने इसी की वजह से सारी चीजें साथ में मंगवाई, अदरवाइज में जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स है वो मैं मंगवाती पर्पल से, नायका से यहाँ पे मंगवाती हूँ, पर इसकी वजह से मैंने सारी चीज़ें इसी अमेजोन से मंगवाई। तो ये है मेरा ट्राइपॉड। मैंने ट्राइपॉड में अभी खाने में डब्बे पे डब्बे रखकर शेयर करती थी, मतलब वीडियो शेयर कर सॉरी वीडियो शूट करती थी, तो मैंने इसीलिए ये मंगवाया है। एंड मैंने इसको अभी तक ओपन नहीं किया था, आप देख सकते हैं आप लोगों के सामने मैं इसको ओपन कर रही हूँ। तो ये इस तरह का कुछ बॉक्स में आता है एंड इसकी साइज वगैरह सब कुछ मैं आप लोगों को शेयर करूँगी अभी। तो मैंने काफ़ी देखा, मतलब उसमें यूट्यूब पे देखा, काफ़ी सारे वीडियो देखे मैंने, कौन सा ट्राइपॉड अच्छा रहेगा, कौन सा मुझे प्राइस में मतलब मुझे अफोर्डेबल लगेगा या फिर मेरे जो बजट है उसके हिसाब से मैंने इसको मंगवाया है। सो ये कुछ इस तरह का है। एंड पहले मैं इसको ओपन कर लेती हूँ फिर बताती हूँ आपको। तो इस तरह का कुछ है, ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है, बहुत अच्छी है इसकी पैकेजिंग। एंड मेरा कॉमेर बिल्कुल भी नहीं, मुझे बहुत जल्दी तो कुछ इस तरह का इसमें आता है। ये काफ़ी सारे वीडियो देखे मैंने एक्चुअली तब मैंने इसको मंगवाया। तो इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं एकदम कम। ओ माय गॉड, गिर गया, क्या गिर गया वो? ओके, सो इसका ये गिर गया था एंड ये शायद उसका मोबाइल को सेट करने का है उसके ऊपर। ठीक है, इसकी अभी देखते हैं क्वालिटी कैसी है। सो पहले पूरा ओपन कर लेते हैं। पैकेजिंग बहुत ही अच्छी वाली है, मजबूत वाली बोल सकते हो आप। ये देखिए, इतना घुमाने के बाद खोल रहे। डब्बा तो इतना बड़ा लग रहा था, बड़ी अंदर से तो इतना सही निकला। अब कितना काम का है, कितना अच्छा है वो तो उसको खोलने पे पता चलेगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो इस तरह का कुछ है ये। एंड इसकी साइज कितनी है? ये किस साइज के यहाँ का तो है ही नहीं, नीचे का एक तो ओके इतनी नहीं है। अच्छा, इसको ऐसे सेट करने का। ओके, तो मैं इसको पूरा ओपन करके दिखाती हूँ आपको, जैसे इस तरह से ये यहाँ पर कितनी साइज है पता चल जाएगा। बहुत टाइट है ये तो यार, थोड़ा सा आपको लगता है। मैं भी फर्स्ट टाइम इसको कर रही हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा लग रहा है कि मेरे हाथ से गड़बड़ ना हो जाए, टूट ना जाए। ये देखिए इस तरह। तो इसकी साइज काफ़ी अच्छी है क्योंकि बहुत लंबा है, ये देख सकते हैं यहाँ से, और इसकी लंबी होगी साइज। मैं एक ओपन करके दिखाती हूँ आपको, ये देखिए यहाँ से। अभी मैं इसको देखूंगी पूरा, इसके साथ में जो बॉक्स है इसमें पढ़ूंगी एंड फिर इसको पूरा सेट करूंगी, क्योंकि अभी मैं अगर खोलूंगी कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मेरा जो पैसा बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि मुझे पूरा 500 रुपीज़ में मिला है, पूरे 500 रुपये में लगाए इसके ऊपर। तो मैं इसको पूरा सेट वेट करूंगी एंड इसका पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है ये पूरा रिव्यू आप लोगों को शेयर कर लूंगी मैं आपको। ओके, सो अभी मैं इसको साइड में रख देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो सेकंड जो अनबॉक्सिंग प्रोडक्ट है वो ये। एंड इसका जो अमेजन की जो मतलब प्रोडक्ट उसमें सबसे माइनस पॉइंट ये लगा कि ऊपर कुछ मेंशन ही नहीं होता है कि मतलब आपका कौन सा प्रोडक्ट है। जब आप ओपन करते हो तभी आपको पता चलता है कि ये वाला प्रोडक्ट। एड्रेस लिखा होता है, वेट लिखा होता है, सब कुछ लिखा होता है, पर प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखा होता। मीन्स कि इसके अंदर ये वाला प्रोडक्ट ये नहीं होता, आपको ओपन करो तभी पता चलेगा। ट्राइपॉड का मुझे इसलिए पता था क्योंकि मुझे पता था इतना लंबा मेरा मैंने ट्राइपॉड ही आएगा, वो कुछ नहीं होगा क्योंकि बाकी जो प्रोडक्ट बाकी रह गए थे सब कुछ आ गया था, छोटे छोटे प्रोडक्ट बाकी रह गए थे। सो ये वाला भी क्या है अंदर मुझे पता नहीं है, तो मैं इसको पूरा ओपन करूंगी आपके सामने। एंड खुल गया, पहले मैं ओपन कर लेती हूँ इसको। एंड कुछ चाकू वाकू नहीं, पेन से कर लेती हूँ, देखते हैं क्या है इसके अंदर। सो सीधा भाई, सीजर लेके नहीं बैठी मैं। ओके, आईलैश, तो इसके अंदर है आईलैश ग्लू, क्योंकि मैंने 5 आईलैश मंगवाई थी, 1 2 3 4 5, मैं खोल के नहीं दिखा रही पर आपको दिख जाएगी साइज। ये देखिए 5 है। एंड साथ में एक था आईलैश कर्लर, ठीक है, ये कर्लर था, ये वाला था, तो ये भी मैंने फर्स्ट टाइम मंगवाया है, इससे पहले मैं यूज नहीं करती थी। एंड ये 145 रुपीज में है, तो बहुत ही अफोर्डेबल लगा मुझे, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर कर लिया था। एंड एक चीज और है, ऊपर की तरफ मेंशन नहीं होता, जब बॉक्स चिपकता है उसके मतलब बॉक्स के ऊपर लगाते हैं उसके ऊपर मेंशन नहीं होता है, बट अंदर की तरफ बिल है जो उसके ऊपर मेंशन है कि ये क्या क्या आया है। तो मिस होड 5 पीसेस आईलैशेस विथ आईलैश ग्लू एंड आईलैश कर्लर एंड शिपिंग चार्जेस तो फ्री था, बट फ्री भी लगा था। मैं वही चीज कह रही हूँ, 2-3 चीजें हैं इसके अंदर। शिपिंग चार्जेस फ्री तब होता है जब इसके अंदर 3 ऑप्शन पूछते हैं आपको। एक स्टैंडर्ड डिलीवरी होती है जो सेम डे हो जाती है, एक होता है 2 से 3 दिन के अंदर होती है, तो उसपे भी कुछ चार्ज लगता है। एंड होता है आपका एक 1 वीक के अंदर आता है, तो उसपे कुछ चार्ज नहीं लगता है। तो इस तरह है, तो मैंने क्या सेकंड वाला पे क्लिक कर दिया था, ऑप्शन पे स्टेप पे क्लिक कर दिया, तो इस वजह से मुझे क्या शिपिंग चार्जेस फ्री होते हुए भी मुझे चार्ज लग गया था। तो ये चीज मैं आप लोगों को बोली थी, ध्यान रखना, ठीक है। अब वो जल्दी जल्दी खोलना पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। एंड थर्ड है ये वाला, इसमें रेफरेंट मुझे याद है, मतलब ध्यान है इसमें माइक आया होगा, क्योंकि ये 3 प्रोडक्ट बाकी रह गए थे, मुझे ध्यान है इसमें माइक होगा। मैंने किसी से पूछा था, किसी फेमस यूट्यूबर से एक मैसेज पे इंस्टाग्राम पे कि मैं कौन सा वाला माइक परचेज करूँ, तो उसने मुझे बताया था कि बोया का एनगन माइक है वो परचेज कीजिए। तो वो पर मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरा इतना बजट नहीं था, ऊपर 2000 का आ रहा था, तो मैंने नहीं मंगवाया। पर मैंने दूसरा वाला मंगवाया ये, तो ये वाला है जिस प्रोडक्ट का आप सेपरेटली रिव्यू देखना चाहते हैं या फिर वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए मुझे आप कमेंट कर दीजिए, तो मैं सेपरेटली वीडियो बना दूंगी। तो इसका भी पहले मैं बिल ओपन कर लेती हूँ क्योंकि बिल पे सब कुछ मेंशन होगा। ओके, सो ये है जेनरिक का 3.5 mm माइक्रोफोन। एंड बिल पे इसका नाम अभी भी मेंशन नहीं है, जैसे कि पूरे बिल पे मैंने चेक कर लिया नहीं है, वो मैंने डायरी में अलग से लिख दिया था, तो फिर मैंने आपको बताया है। सो यही है, मुझे लगा इसका नाम क्यों नहीं मेंशन है, ऊपर प्रोडक्ट का नाम तो होना चाहिए, मुझे लगा बैक साइड होगा क्योंकि दूसरे में तो था बैक साइड पे, इस पे नहीं है, ऊपर बिल पे बिल्कुल भी मतलब नहीं है नाम, ठीक है। तो मैं इसको खोल के दिखा देती हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा मुझे लग रहा है ऐसा। तो ये इसकी जो कि ओके, सो मैंने इसको पूरा ओपन कर लिया है। इसकी जो लीड है, वायर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लंबी है, तो इसको आप अगर दूर भी फ़ोन रखते हो अपना, तो भी आप अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड इस तरह का माइक है, ये बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है मुझे यहाँ से, तो यहाँ पर इसको ये लग जाएगा क्लिप, अच्छी क्लिप है, पकड़ वाली है, आपके कपड़े को पकड़ लेगी ये क्लिप, आपको इस तरह लगा देनी है। एंड नाउ आप आपका जो वॉइस है वो रिकॉर्ड कर सकते हो, वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते, इस तरह लग जाएगा और दिखने में ब्यूटीफुल लगता है। तो एयरफोन क्या होता है, आपको लगाने के बाद क्या बैक साइड आप सामने की तरफ नहीं रख सकते, बहुत अजीब लगता है यहाँ पे एयरफोन लगा के और फिर लटक रहे होते। तो ये है एक बहुत ही मतलब अफोर्डेबल प्राइस में मुझे लगा, 119 रुपये में, तो इसको इसलिए मैंने मंगवा दिया। अदरवाइज मेरी आवाज़ बिना इसी माइक की भी अच्छी खासी चल रही थी, अभी तक मैं वीडियो शूट कर रही थी। ओके, सो अनबॉक्सिंग में 3 प्रोडक्ट की थी, इन सब में से किसी प्रोडक्ट का अगर आप स्पेशल अलग से वीडियो देखना चाहते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, तो मैं उसका अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी, पर्सनल रिव्यू शेयर कर दूंगी। ओके, अब मैं आप लोगों से वो प्रोडक्ट शेयर कर लेती हूँ जो मैं ओपन कर चुकी हूँ एंड मैं यूज़ कर रही हूँ। उसमें सबसे पहला है पतंजलि का एलोवेरा जेल, ये 150 ml का है। इसकी प्राइस भी अमेजोन पे कम थी बनिस्पत मार्केट की तुलना में, लोकल मार्केट की तुलना में, सो इसलिए मैंने वहीं से मंगवाया। एंड नेक्स्ट है इसमें मेबलिन का ये टोटल क्लीनअप, इसका रिव्यू में शेयर कर चुकी हूँ। एंड गार्नियर मिसेलर क्लेजिंग वाटर से उसका कंपेयर वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। नेक्स्ट है मैंने मंगवाया है पॉन्ड्स का बीबी क्रीम, ये मेरा जो शेड इसमें 01 है। एंड ये बहुत अच्छा है यार, इसको अगर डेली मेकअप करते हो उसमें आप यूज़ कर सकते हो, इस तरह का कुछ है ये। एंड आपको अगर आप कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं करना चाहते हो एवरीडे में, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छी स्मूथ फिनिशिंग देता है आपको फेस पे। ये देखिए, इस तरह से बहुत अच्छी फिनिशिंग देता है, मतलब स्मूथ एकदम से आपकी हो जाती है। नेक्स्ट मैंने मंगवाई है ये हिमालय की नेचुरल ग्रो केसर फेस क्रीम, ये 48 रुपीज़ की, एंड मुझे बहुत अफोर्डेबल लगी। अगर आप डेली में आप कुछ और यूज़ नहीं करा, बीबी क्रीम, फाउंडेशन कुछ भी, तो आप इससे मेकअप कर सकते हो अपना, डेली स्किन केयर रूटीन कर सकते हो इससे। नेक्स्ट में नंबर है बायोटेक का बायो सैंडलवुड SP50 सनस्क्रीन एंड ये ऑल स्किन टाइप वालों के लिए तो सब इसको यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। प्राइस बस थोड़ी ज्यादा है क्योंकि 50 मेरे 200 रुपीज में मुझे रिसीव हुआ एंड अमेजोन पे भी कोई डिस्काउंट नहीं था उस समय। एंड लास्ट प्रोडक्ट जो मैंने मंगवाया वो है अपनी बेबी के लिए हिमालय का पाउडर, क्योंकि इसको मैं भी यूज करती हूँ, मेरी बेबी यूज करती है। मुझे एक कमेंट में पूछा था कि आप अपनी बेबी के लिए कौन से प्रोडक्ट यूज करते हो, तो मैं सारे हिमालय के प्रोडक्ट यूज करती हूँ एंड 12 महीने पाउडर यूज करती हूँ उसकी बॉडी पे। सो गाइस ये था मेरा आज का अमेजोन हॉल। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन है उसको हिट करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, सबसे पहले आप वीडियो को वॉच कर सकें। सेकंडली किसी भी प्रोडक्ट का अगर अलग से आप स्पेशल रिव्यू देखना चाहते हो तो प्लीज मुझे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, ताकि मैं उसका अलग से वीडियो अपलोड कर सकूँ, शेयर कर सकूँ, आप लोग के साथ फुल रिव्यूज का शेयर कर सकूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।